सिविल अस्पताल सुंदरनगर में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के समय पर न आने के कारण नवजात शिशु की मौत हुई है। रविवार सुबह सिविल अस्पताल सुंदरनगर में एक नवजात शिशु की डॉक्टर न आने पर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शनिवार दोपहर 2:15 पर बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर एक बार भी बच्चे को देखने नहीं आए। इस बात से खफा परिजन सुंदरनगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करवाने गए तो पुलिस ने नवजात शिशु का पोस्टमार्टम करवाने को कहा। परिजन जब पोस्टमार्टम करवाने के लिए मान गए तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने शिमला में पोस्टमार्टम करवाने के लिए कहा। चांबी पंचायत निवासी मृत बच्चे के पिता कृष्ण कुमार ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद एक बार भी डॉक्टर उसे देखने नहीं आया, इस कारण नवजात बच्चे की मौत हो गई। कृष्ण कुमार ने बताया कि बच्चे की हालत बिगड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टर को बार बार बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने फोन पर ही उपचार बताया, जिसके चलते सुबह 9 बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब उसकी तबीयत बिगड़ी बच्चे की, तो नर्स ने टेलीफोन के लिए डॉक्टर को बात की। उसने टेलीफोन पे उससे निर्देश दिया, टेलीफोन डॉक्टर ने उसको, डॉक्टर मौके पे नहीं पहुंचा, डॉक्टर मौके पे नहीं पहुंचा। उसने टेलीफोन के लिए बताया ऐसे करो, तो शायद जो नर्स अपॉइंट हुई थी उसने निर्देशों से काम किया वहाँ पे। सीएमओ मंडी के बयान के अनुसार मामले की जांच करवाई जाएगी, यदि इलाज में कोताही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।